high success stories in the world are all stories of great failures. But it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. All these success stories in the world are all stories of great failures. But it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. You don't lead your life, sir. Your patterns are leading your life. You don't take your decision, sir. Your patterns are influencing your decision. आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहाँ से आता है? कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे भाई साहब? देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट, कंटेंटमेंट, कुछ लोग बोल रहे हैं सक्सेस, कुछ लोग बोल रहे हैं मनी. इफ मनी वॉज ए मोटिवेशन, देन द ऑर्गेनाइजेशन विच यू आर गिविंग हाईएस्ट सैलरी शुड हैव हैड जीरो एम्प्लॉय टर्नओवर, बट इवन देयर पीपल आर लीविंग. Money is not the highest motivation. If success is your motivation, जब तक success आएगा आप motivated हैं. जिस दिन success चला गया आपका motivation भी चला गया. Motivation should not be outside in, it should be inside out. It should not be outside in, it should be inside out. जब भी motivation external sources पे depend करता है आप इतिहास नहीं रच पाएंगे, क्योंकि आपसे सोर्स छीन लिया आपका मोटिवेशन चला गया. असली सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम. आदिवासी महिलाएं थाईलैंड की, दे आर पियर्सिंग देयर बॉडी विद अ बैम्बू स्टिक. यूएन सेज इट इज टॉर्चर, बट दे आर सेइंग नो, माय लॉर्ड इज गेटिंग प्लीज्ड एंड आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड. इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. ईस्टर्न इंडिया, द लेडीज आर कैरिंग दुर्गा लैमिनेशन, वॉकिंग ऑन द फायर वॉक, burning coal. UN says torture, but she is saying no, I am getting purified because Durga Devi is getting pleased. It is their belief system. Belief system, sir. Koi dard nahi ho raha. You know, there are some terrorists, in the name of pleasing the Lord, they are killing small kids. You and I can't do it. They are doing it comfortably because belief system. If I do that, my God will get pleased. Belief system. बिलीफ सिस्टम आदमी को कुछ भी कराने को तैयार कर देता है, कुछ भी करवाने को तैयार हो जाता है. मंडेला 34 साल जेल में बैठे रहे, बिलीफ सिस्टम, नो सैलरी गिवन सर, बिलीफ सिस्टम. लिंकन, गांधी, मंडेला, टेरेसा, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, दे हैव हैड पावरफुल बिलीफ सिस्टम. छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है. चेन तोड़ पाता है? यस नो? नहीं तोड़ पाता. धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है. अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया, पेड़ नहीं साहब, पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है. यस नो? इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. आज डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ये दवाई खा लो, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे. राम सोचते हैं अच्छा ऐसा, दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं, और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं. वो दवाई थी नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी. इसको बोलते हैं प्लसीबो इफेक्ट. इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू. यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग. यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप. योर बिलीफ सिस्टम इज राइट. आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया. 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में कोई नहीं था, कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया. सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा, वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी. बछेंद्रीय पाल के पास गई, बछेंद्रीय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है. और जानते हैं एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली. आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है. साहब आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है. अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया.